नमस्कार मित्रों, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और मैं जिम खोलने आया हूँ। तो आज मैं आपको मेरे पूरे दिन का मैं ताकत बढ़ाने के लिए क्या क्या खाता हूँ ये दिखाने वाला हूँ। अभी जिम खोलकर हम नीचे जाएंगे और हम मेरा डाइट देखेंगे। तो सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहले 1-2 गिलास पानी पीता हूँ, जिसके रात भर जो हमारे शरीर से पानी कम होता है कुछ भी ना पीने की खाने की वजह से वो पूरा हो जाए। अभी कुछ देर पहले लाइट गई है तो अभी मैं खा रहा हूँ कुछ बादाम। मैं हमेशा गिन के नहीं खाता, 10-15 हो जाते हैं। उसके साथ मैं ले रहा हूँ दूध। तो ये दिन का पहला मील हो गया। अभी 11:15 बज गए हैं और मैंने अभी आधा किलो पनीर लाया है। अभी इसके मैं अंदाजे से 5 बार करूँगा 100-100 ग्राम के, और उसी को दिन में 5 बार दो दो तीन तीन घंटे के गैप से खाऊंगा, जिससे कि अंदाजन हर 100 ग्राम के पीछे मुझे 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अभी प्रोटीन कम ज़्यादा इसके फैट कंटेंट में होता है। अगर फैट यानी कि उसकी साई मलाई निकली होगी तो ज़्यादा प्रोटीन होगा, और मलाई नहीं निकली होगी तो कम प्रोटीन होगा। ये मुझे पता तो नहीं, इसमें मलाई रहती है थोड़ी फार थोड़ी बहुत, तो इसमें प्रोटीन कम ही होगा। तो मान के चलते 15 से 18 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। अब इसके हम 5 हिस्से करेंगे और 100-100 ग्राम इसे मैं 5 बार खाऊंगा। 3। अभी मेरे दिन का दूसरा मील है। पहले मील में हमने बादाम और दूध लिया था, अभी ये पनीर। अभी ये दोपहर का खाना है। इसमें मेथी की सब्ज़ी, रोटी, गेहूं की रोटी और खेत से कुछ ताज़े ताज़े मूंग कराए हैं। तो अभी दोपहर का खाना खा रहा हूँ, मेथी की सब्ज़ी का। दोपहर में 1 बार सब्ज़ी रोटी और रात को 1 बार सब्ज़ी रोटी खाता हूँ। तो पनीर से प्रोटीन मिलता है, सब्ज़ियों से विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सब्ज़ियों को हमें दिन में 3-4 बार तो भी रखना ही चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो यही मेरा रोज़ का डाइट है। 100 ग्राम पनीर दिन में 5 बार, बादाम और दूध दिन में 2 से 3 बार, सब्ज़ी रोटी दोपहर में और रात में, और बीच बीच में भूख ही लगे तो मूंगफली, चने ऐसे कुछ खा लेता हूँ। तो इससे काफ़ी सारा प्रोटीन भी मिल जाता है, फाइबर मिलते हैं, विटामिन्स मिनरल्स भी मिल जाते हैं। तो पूरे शरीर की सब चीज़ें, ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।